पाकिस्तान के शहर सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर के साथ जो वहशियाना सलूक किया गया, हम पाकिस्तानी बाहिसियत मुआशरा, बाहिसियत कौम, इसकी सख्त मुजम्मत करते हैं। वी एज अ नेशन, एज पाकिस्तानी, कंडेम एंड स्ट्रॉन्गली डिनाउंसेस एनी एक्ट ऑफ ब्रूटैलिटी दैट टेक्स प्लेस इन द नेम ऑफ रिलीजन। दिस इज नॉट व्हाट पाकिस्तान इज। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हैं और उनके क्या जज्बात हैं इस वाकये पे, आइए सुनते हैं। आज कुछ ना पूछो कि दिल उदास बहुत है, मैं उस शहरे यास की बासी हूँ जहाँ मजहब के चंद नाम निहाद पैरोकार इंसानियत का जनाजा इस धूम से निकालते हैं कि सेल्फियाँ लेती हुई लाश नूहा कना बन जाती है और हमसे सवाल करती है कि अमनो सलामती के मजहब की असल रूह को ये सब कब पहचान पाएंगे। आई टोटली कंडेम दिस ब्रूटल एक्ट ऑफ सियालकोट एंड इट लेफ्ट एन इमेंस स्कार ऑन माय सोल। गुज़िश्ता कल सियालकोट में जो वाकया पेश आया, इसकी जिस कदर मुजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान तमाम मजाहिब के लोगों के लिए अमन का गहवारा है और पाकिस्तान में रियासती इदारे और अदालतें मौजूद हैं और जिनका इख्तियार है कि वो ऐसे मामलात में फैसले करें। किसी फर्द वाहिद को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो चौक चौराहों पर खड़े होकर खुद ही मुल्की सालमियत के फैसले करने लग जाए। दिस इज MPA समावेत आहिर सत्ती, स्पोक्स पर्सन फॉर पंजाब गवर्नमेंट। मैं सियालकोट में होने वाले वाक्य जो कि हमारे एक श्रीलंकन शहरी के साथ जो है जो अलमनाक वाकया पेश आया उसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ और मैं अपनी श्रीलंकन गवर्नमेंट और वहाँ की आवाम को ये यकीन दिलाती हूँ, उन तमाम लोगों को कि जो किसी तरह से भी इसमें इन्वॉल्व थे, उनको उनकी मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर रहेंगे इंशाल्लाह और उनको इबरतनाक सज़ा जो है वो हर सूरत में दिलवाएंगे। जो वाकया आज पेश आया है सियालकोट में, इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। हम एक अमन पसंद मुल्क हैं, हम एक अमन पसंद मुल्क के शहरी हैं और ये जो चंद अनासिर जिन्होंने ये बर्बरियत का एक पैगाम दुनिया के सामने ये लाई लेके आए हैं, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। ये जो सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर की बहुत पुरतशद्दुद तरीके से उसका कत्ल किया गया है, मैं उसकी सख्त मजम्मत करती हूँ। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी एपिसोड्स आइंदा ना हो जिससे हमारे मजहब और हमारे मुल्क की नाम और किरदार के ऊपर हर्फ आए। IAS मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली एक्सप्रेस माय डीपेस्ट कंडोलेंस फॉर द ग्रूसम मर्डर ऑफ मिस्टर प्रेमता कुमार। I sympathize with the family of victim. मेरा दीन किसी को जलाने का हुक्म नहीं देता। मेरा दीन बगैर सोचे समझे किसी की जान लेने का हुक्म नहीं देता। ये सवाल मेरा आप सब से है, अगर आज इस वाक्य में आपका अपना कोई नजरे आतिश कर दिया जाता तो क्या तब भी आप खामोश बैठते? हम सारे पाकिस्तानी, सब पाकिस्तान, हम इसे कंडम करते हैं। इट्स अ शेमफुल एक्ट। वी आर वेरी सॉरी टू श्रीलंकन गवर्नमेंट, श्रीलंकन पीपल, वी रिग्रेट इट। थैंक यू। देर आर नो वर्ड्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंडम दिस ब्रूटल ग्रूसम एक्ट। सियालकोट में जो कबल मजम्मत और कबल गिरफ्त वाका पेश आया है, इसके ऊपर JIT बननी चाहिए। इस सिलसिले में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। दिस इज हाई टाइम दैट वी एज अ सोसाइटी एंड एज अ नेशन पुट अ फुल स्टॉप टू एनी एक्ट ऑफ ब्रूटैलिटी दैट टेक्स प्लेस इन द नेम ऑफ रिलीजन। हमें बाहिसियत पाकिस्तानी और बाहिसियत मुआशरा हर उस वहशियाना अमल को रोकना है, उसकी मुजम्मत करनी है, उससे नफरत करनी है जो मजहब का लिबादा ओढ़ के किया जाता है। मजहब मोहब्बत है, मजहब अमन है, मजहब सब्र है, बर्दाश्त है, दर गुजर है, भाईचारा है। ये है मेरा मजहब इस्लाम। अब हमें बाहिसियत मुआशरा ये आवाज बुलंद करनी है कि बस करो, एक शैतानी अमल को इस्लाम का लिबादा ओढ़ने की इजाजत अब हम
किसी को नहीं दे सकते. Once again, we regret what happened and we extend our condolence to the family of the victim.